हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। दोस्तों यदि आप एससी एसटी के स्टूडेंट हैं दोस्तों आपको है जो हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन की जरूरत पड़ती रहती है, जैसे कि दोस्तों आपके स्कॉलरशिप फॉर्म हुआ या फिर बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो आपको इस फॉर्म की जरूरत होती है। तो दोस्तों मैं हूँ राज और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ये जो हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन अपने मोबाइल से किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना किस देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो के ठीक नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करिए और इस पेज पर आ जाइए। दोस्तों इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे आधार के अनुसार आपका नाम इंग्लिश में डाल देना है और यहाँ पे हिंदी में, यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे पिताजी का नाम। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सा फॉर्म है, आपको यहाँ पर पूरा फिलअप कर देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस आपका डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जाति प्रमाण पत्र करवा के यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है वो आपको डाल देना है और साथ में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब बना है वो आपको यहां पर डाल देना है। और इसके बाद आप लोग देख पा रहे हो सुरक्षित करें में आगे जाएं पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहां पे पूरी डिटेल फिल करता हूं और आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूं। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र क्रमांक डाला और जो तो यहां पे डेट डाली तो दोस्तों यहां पे जो पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने जो ऑटोमेटिक ले ली, यहां पे पिताजी का नाम और माता का नाम, और दोस्तों यहाँ भी अपनी जो भी कैटेगरी थी यहाँ पे है जो ऑटोमेटिक इन्होंने ले ली, वो यहाँ पे मैं टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ और इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों क्लिक करने के बाद इस टाइप का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो आपकी समग्र आईडी डाल देना है और यहाँ पे फैमिली आईडी है जो आपको डाल देना है और इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे समग्र विवरण प्राप्त करें पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक, दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आय घोषणा। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी इनकम की यहाँ पे घोषणा करना है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको सिंपली आपका नाम लिख देना है और यहाँ पे आपका व्यवसाय आप जो भी करते हो वो है जो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यदि आप स्टूडेंट हो तो दोस्तों यहाँ पे जो आप स्टूडेंट डाल सकते हैं। इसके बाद ये पूरी डिटेल ऑटोमेटिक ले लेगा और इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे जमा करें पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इसका कन्फर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा, आप है जो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे सुरक्षित करें में आगे बढ़े पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे मूल निवासी घोषणा। दोस्तों यहाँ पे जो आपको मूल निवासी की यहाँ पे घोषणा करना है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे सिलेक्ट डोमेसाइल एलिजिबिलिटी पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे जो सभी रूल ओपन हो जाएंगे, यदि आप एमपी में 10 साल से या 20 साल के रह रहे हो दोस्तों यहाँ पे जो आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे जमा करें पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मूल निवासी घोषणा के लिए कन्फर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका सिंपली सुरक्षित करें में आगे बढ़े पर क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप लोग सबसे नीचे देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे जो आपको सिंपली एक पासवर्ड बना लेना है और इस पासवर्ड को वापस यहाँ पे आपको डाल देना है और इसके बाद सिंपली यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिए और आप लोग देख पा रहे होंगे सबमिट करने पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पूरी डिटेल डालता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो फ्रेंड्स सबमिट करते ही आपके सामने जो इस टाइप का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन प्रोफाइल पंजीकरण पावती। दोस्तों आप है जो इस पावती यानी कि इस प्रिंट को प्रिंट जरूर करा लीजिए और आपके यहाँ भी आपको लगाना, आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों ये कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको आप जैसे ही पीछे गए थे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे प्रिंट पावती पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा और आप है जो इसको है जो इस तरह यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।